First of all, happy birthday. लेकिन मैं यहाँ पे मैं बदलू क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत कुछ मिस हो चुका था। मैं 11 पढ़ी तो मतलब मेरा शादी हो गया, उसके बाद कॉलेज ये सब मतलब मिस हो चुका था। जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया तो मतलब ऐसा लगता था, मुझे याद नहीं रहता कि मैं शादी शुरू है क्यों, क्या बच्चों की माँ दीपिका मेनका पवित्र मतलब बहुत सारे मेरे मतलब हैं, वो मेरे फ्रेंड बने हुए हैं, उनके साथ में बाहर जाकर वीडियो बनाना मतलब कहीं पर भी यही याद नहीं रहता कि मैं मैरिज हूँ और दो बच्चों की माँ, मेरे को क्या थी याद नहीं रहती, यहाँ का घर याद तो नहीं आता कि मैं एक शादी शुरू हूँ। और जो तीसरी क्लास की बात करूँ तो उसके लिए तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ सर कि ऐसा मान सम्मान और तो मतलब कभी नहीं मिला था जो आपने दिया है एक सेलिब्रिटी से, हम तो कम नहीं कर सकते। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि सबको बोलना है और उस शब्द है मैं सर के लिए बोलना चाहूँगी, गुरु का ज्ञान अनंत होता है, गुरु का ज्ञान अनंत होता है, यह बात कभी नहीं निकलेगी दिल से, यह बात कभी नहीं निकलेगी दिल से। आपने बनाया मुझे इस काबिल, आपने बनाया मुझे इस काबिल कि हर लड़ाई को हर लड़ाई को लड़ सकती हूँ हजारों मुश्किलों आने पर भी। धरती पर आपका मुकाम हो, इस छोटी सी दुनिया में मैं प्रार्थना करती हूँ दुनिया जहान हो आपका। विचार रुचि और इंटरेस्ट तो ये सब की कॉम्बिनेशन है और कहीं ना कहीं ये सब मतलब ना ऐसा लगता है आप लोगों के बारे में कितनी सारी चीजें हैं, मतलब कभी कभी मुझे ये लगता है ना, इसीलिए तो मुझे ज्यादा इधर उधर कुछ चीजें मतलब ऑब्जर्व करता हूँ ना, तो मैं आप ही लोगों के बीच की सब सारी चीजें को ऑब्जर्व करता हूँ और अपने आप में आप लोग सबके सब लोग एक 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 चीजों को ले लेके कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। और ऋचा मैम के बारे में बोलूँ, ये फर्स्ट टाइम मुझे अच्छे से याद है जब ये हस्बैंड के साथ आई हुई थी और कहीं ना कहीं इनसे मैंने एक वाक्य पूछा था जो इन्होंने लास्ट ग्रेड टेंड रिसीव बताया भी था कि मैम आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे ना इन लोगों के बीच में रह के, तो इन्होंने एक वाक्य बोला था जो इन्होंने रिपीट किया था कि सर मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ और कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने से मतलब होना चाहिए। और सच में बता रहा हूँ, एक होता है बोलना, एक होता है ढल जाना, है ना। और फिर हम वैसा हम लोग एक माहौल भी क्रिएट करके देते हैं कि कोई जैसे कि ये फील कर पा रही होगी बच्चों के साथ बच्चे कैसे बने, वो माहौल क्रिएट करके देते हैं और कहीं ना कहीं उसमें वो ढलना भी कला है, वो ये बहुत अच्छे से ढली और ना केवल ढली। और देखिए आप लोग के सामने कितने अच्छे स्पीकर बन के आपको दिखा रही है और इनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव मतलब ये बिलासपुर और रायपुर ये इधर वो उधर।